कल रात को मुझे एक वीडियो मिली मिली क्या मैंने ट्विटर पे देखा ऐसे, तो तारिक फतेह ने वीडियो डाली थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम फ्रूट वेंडर इन इंडिया कॉट कलेक्टिंग हिज पी इन अ बॉटल एंड देन स्प्रिंकलिंग हिज यूरिन ऑन बनानास फॉर सेल। व्हाट इज रॉन्ग विथ माय कम्युनिटी, या अल्लाह व्हाट हैव वी मुस्लिम बिकम। आपको ट्विटर का ट्वीट भी दिख रहा होगा और ये वीडियो का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा आपको। मैं वीडियो अभी एक मिनट की है, ये मैं चला दूंगा, पूरी वीडियो देख लेना। ये घटना बिजनौर की है, वीडियो बनाने वाले ने खुद अपने मुंह से बोला और ये ऐसा कर रहा था, ये आदमी भी खुद एक्सेप्ट करता है। और मास्क लगाए हुआ तो बहुत अच्छी शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन मुसलमान ही पता चल गया। इधर खड़े हो जाओ आके, ये क्या कर रहे थे? ये बोतल में टॉयलेट करा इन्होंने और केलों पे छिड़क रहे। इधर आओ, इधर इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे आके बस बस यहीं रहो, यहीं यहीं इतना ही, रुक जाओ रुक जाओ। तो तुमने ये काम करा क्यों? गलत क्यों, गलती क्यों हो गई? जाना मत कहीं, यहीं खड़े हो जाओ, जाना मत, बंदा डंडा पड़ेगा, खड़े हो जाओ यहीं, जाना मत, रुको, यहाँ इधर आओ, ये ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, खड़े रहो, बस अब खड़े रहो, खड़े रहो, तुम्हारे चक्कर में औरों को दिक्कत हो जाएगी, खड़े हो जाओ। आपके चक्कर में औरों की दिक्कत हो जाएगी, घर जाओगे आप, औरों को प्रॉब्लम हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी, नाश हो जाएगा बिजनौर का। रुक जाओ, जाओ रुक जाओ, कहीं कुछ नहीं होने का तुम्हारे साथ, कोई अत्याचार नहीं होने का, खड़े रहो, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आराम से खड़े रहो। यही खड़े रहो, यही खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कुछ ना करें। ये हिस्सा मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने रुक के, अलग से एडिटिंग रुक के मैंने बाद में सोचा कि हिस्सा ऐड करूँ, उस पर मैंने, मुझे बोलना बहुत जरूरी है। ये जो बुजुर्ग आपने देखा, जिसकी वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जी देख ली, ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, उथक बैठक कर रहा है, लेकिन वीडियो बनाने वाले ने एक शब्द गाली के नहीं दिए, हमेशा कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने ध्यान से सुना तो। लेकिन वहीं अगर कोई हमारा बुजुर्ग संत भगवाधारी कहीं आपको मिल जाता है, मानसिकता की बात कर रहा हूँ, रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपने उसको मौत के घाट उतार दिया और हमने जिंदा छोड़ दिया, आश्वासन देते हुए कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फर्क होता है, होना भी चाहिए। ये सबसे फनी चीज़ है, आपको हंसी आएगी और इन जायनों पे बिल्कुल क्या मैं बताऊँ। नीचे आप इसका रीट्वीट देखते हैं, अगर अभी भी आप तारिक फतेह का ट्वीट को ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे तो शायद मिल जाएगा। ये कोई है प्रिंस अल स्किन डॉक्टरुल्लाह, ये मुझे फेक अकाउंट लग रहा है, साफ मुझे बहुत जाहिलों वाला। तो ये कहता है स्टडीज हैव फाउंड एंटीबॉडीज इन ह्यूमन यूरिन। अच्छा, अब ये लोग इस तरीके से जस्टिफाई करने के लिए रेडी रहते हैं, कोई अगर अपना यूरिन छिड़क भी रहा है सब्जियों पे, मतलब ऐसे माहौल में, अरे कैसे भी माहौल में छिड़कना गलत है, एकदम जाहिलियत और बेवकूफ़ी की निशानी है ये। लेकिन अगर कोई ऐसा कर भी रहा है किसी भी माहौल में, और इस माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी टच तक मना है तो आप क्या कर रहे हैं बात ही अलग है। उस माहौल में लोग जस्टिफाई करने कैसे आते हैं, हर हरकत को जस्टिफाई करने के लिए एक तर्क रहता है इनके पास। तो ये कहते हैं दिस मैन इन क्वेश्चन वॉज स्प्रिंकलिंग यूरिन सो दैट हिंदूज कंज्यूम इट which would have boosted their, पता नहीं इंग्लिश भी क्या है, their immune system and that would have helped them in fighting against corona instead of thanking, बहुत आभार है हमारा कि आपने छिड़क दिया भाई। People are abusing, how Islamophobic, साफ साफ fake account है। मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये जो moles भरे पड़े हैं हर जगह, जो ready रहते हैं लोगों का काम करने के लिए, एक agenda बनाने के लिए, उसने इस बात को भी सही साबित करने के लिए अपना एक तर्क दिया कि ये इम्यून सिस्टम के लिए सही है और वो हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है। भाई तुम सुसु करो, मुंह तो जो करना है करो, खुद पी लो यार, ऐसा ही तो खुद पी लिया करो, हमारे पे एहसान मत करो। जो फल बेचने वाले इधर तो चाट रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, भाई तुम अपने लिए कर लो, उससे अगर कुछ भी भला होना है इंसानियत का, सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों के लिए कर लो, हिंदू भाइयों का मत सोचो आज की डेट में, क्योंकि जब तुम सोचते हो तो तुम ऐसा ही सोचते हो, और ऐसी सोच की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत खतरनाक सोच है।
मतलब बिल्कुल आदमी इससे बचने का पता नहीं 1-2% भी चांस होगा कि कभी कोई मार्केट प्लेस से बच्चे निकल जाए, तो तुम जैसे लोग उसमें उस 1% को भी भरने में लगे हुए हो कि 100% चांस हो जाए कि हाँ तुमको वायरस हो ही जाएगा। ऐसे जिहादियों से बचें भाई, ये लोग मासूम होते हैं, बिल्कुल बूढ़े होते हैं, इनको समझ नहीं आता, इनको कोई कहता है करने को। इन सबके लीडर्स होते हैं, अरब कंट्रीज से फंडिंग आती है, आपका काम ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे करिए। अब आपके पास ब्लैक मनी नहीं रही, जो नोटबंदी हुई थी उसने बहुत अच्छे से कमर तोड़ी, बहुत अच्छे से, तो आपके पास ब्लैक मनी नहीं रही, आपके पास ना बम है ना हथियार है, आप कहाँ से कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन आपके पास ये मौका है, ये मौका है उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का। एक उदाहरण आप खुद देख लीजिए कि आपके हाथ में अगर कोई वायरस है तो आप हर जगह फैलाइए, आप समझ लीजिए कि कैसे आप इस भारत को 1000 cuts दे सकते हैं, विच वॉज गजवाए हिंद। लेकिन फिर भी इस पर भी सबका अपना अपना तर्क होगा, इसको भी कोई कभी ना कभी साबित कर ही देगा कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण के खेला चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।